27 अप्रैल, टू डेट ऑफ हेडलाइंस, करंट अफेयर्स, एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार, महत्वपूर्ण। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद न होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। टुडेज डे, आज का दिन, वर्ल्ड ग्राफिक्स डे, विश्व ग्राफिक दिवस प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक्स डिजाइन एसोसिएशन इकोग्राडा द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 27 अप्रैल 1963 को हुई थी। विश्व ग्राफिक दिवस, जिसे विश्व ग्राफिक डिजाइन दिवस भी कहा जाता है, दुनिया में संचार डिजाइन और उसकी भूमिका को पहचानने का एक मौका है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना दिवस किस दिन मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 26 अप्रैल, ऑप्शन डी 27 मार्च। और जिसका सही आंसर था ऑप्शन सी 26 अप्रैल, आज का दिन। टुडे टॉप टिप हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर वन, कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी इतिहास में इस संकट को लेकर चर्चा की जाएगी तो भारत के लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होने के बारे में दुनिया में बात जरूर की जाएगी। लाइफलाइन उड़ान, देश में हर हिस्से में दवाइयां को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम का एक विशेष अभियान चल रहा है, पीपल ड्रिवन है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुस्तान की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है, एक एक नागरिक सिपाही है। नरेंद्र मोदी का कहना है, हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश, देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है और लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। उमड़ते घुमड़ते भाव से आ रही है ताकत। पीएम मोदी का कहना है कि दूसरे की मदद के लिए अपने भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। हेडलाइन सेकंड, देश प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की कोविड वॉरियर्स वेबसाइट, मिलेगी कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी। कोरोना संकट के इस समय में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आम लोगों से लेकर खास लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने रविवार को पॉपुलर रेडियो कार्यक्रम मन की बात की कार्यक्रम में उन्होंने कोरोना वायरस से जुड़ी एक नई वेबसाइट covidbarriers.gov.in covidbarriers.gov.in के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने एक नया वेबसाइट जारी किया है ताकि सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटियों के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन के लोगों को आपस में जुड़ सके। हेडलाइंस थर्ड, जहां चाह है वहां राह है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की वजह से पीड़ित है, लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में रोज दौड़ लगाने वाले रनर्स मैराथन को मिस कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 20 मिनट्स ऑफ रनिंग कम्युनिटी ने बेनिफिट ऐप के सहयोग से रविवार 26 अप्रैल को रन यूनाइटेड मैराथन एट होम का आयोजन किया। इसमें रनर्स को अपने घर में ही ये रन पूरी करनी थी। अलग अलग की कैटेगरी में रनर्स ने अपने पूरे जोश के साथ रन को पूरा किया। हेडलाइंस फोर्थ, आप्त मित्र हेल्पलाइन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए
आपात मित्र की हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन और एप्लीकेशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। आपात मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। इसके लिए बेंगलुरु में 4 केंद्र और मैसूर तथा मैंगलोर में बटवाल में 6 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हेडलाइंस फिफ्थ, विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है, जहां वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेल खेलने की बात करते हैं। पीवी सिंधु प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद भारत में हुआ। उल्लेखनीय है कि पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक और BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वर्ष 2014 में अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम CWG में महिला एकल में कांस्य जीता था। हेडलाइन 6, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 23 अप्रैल को मणिपुर में खोगजोम दिवस मनाया गया। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य से किया जाता है। ध्यान तब यह एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। हेडलाइन 7, भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020। वर्तमान में COVID-19 महामारी के चलते विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। लगभग हर क्षेत्र में एक निराशाजनक वातावरण बना हुआ है, परंतु इस निराशावादी माहौल में भी सोने के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 की घोषणा की गई। हेडलाइंस 8, 23 अप्रैल को प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपने शिक्षण कैरियर के साथ उषा गांगुली थिएटर भी करती थी। उन्होंने वर्ष 1976 में रंगकर्मी नाम से एक थिएटर समूह की शुरुआत भी की। उषा गांगुली का वर्ष 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया। हेडलाइंस 9, असम सरकार ने धनवंतरी योजना की शुरुआत की। असम सरकार ने धनवंतरी नाम से एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें बाजार में अनुपलब्ध दवाइयां सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत विश्व शर्मा ने बताया कि 200 रुपए में कम मूल्य की दवाइयां रोगियों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी ऐसे रोगियों को दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिन्हें अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे में दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। हेडलाइंस 10, दुनिया में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले CEO हैं सुंदर पिचाई। अल्फाबेट ने पिछले साल 2,144.53 करोड़ रुपए सैलरी दी। अमेरिका की दिग्गज तकनीक कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को 2019 में कुल 28.1 करोड़ डॉलर या 2,144.53 करोड़ रुपए की सैलरी मिली। भारतवंशी सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे अधिक सैलरी पाने वाले अधिकारियों में शामिल हो गए। अल्फाबेट ने जानकारी दी है कि इस साल उनका वेतन बढ़कर 20 लाख डॉलर मींस 15.26 करोड़ रुपए हो जाएगी। पिचाई
पिचाई की सैलरी अल्फाबेट कर्मचारियों के औसत कुल वेतन के 1085 गुना है। बता दें सुंदर पिचाई 1972 में भारत के चेन्नई में जन्मे थे। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया गया? और आपके ऑप्शन है 25 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 2019, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 2020, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 2020। इसका जवाब बताइएगा, कमेंट करके बताएं कि इसका जवाब क्या होगा, और ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये छोटा सा माध्यम है जो आपके घर पे सुबह सुबह न्यूज़पेपर के जरिए आपके घर पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।